Good afternoon, class. Today we are going to discuss about modern periodic law. Students, आज हम लोग periodic law के बारे में बात करेंगे. Basically, जो earlier trend आया था from Doberaner triad और Newland octaves and after that Mendeleev's law, इसमें ये बोला गया कि जो elements हैं उनकी chemical और physical properties क्या होती हैं, periodic function होती हैं उनकी एटॉमिक मासेस के. ओके, बट स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड बेसिकली जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, तो वो ट्रेंड रेगुलरली नहीं देखने को मिलते थे. कहीं कहीं ट्रेंड में क्या आती थी, दिक्कत आती थी. ओके, अगर हम डोबरेनर ट्रायड्स की बात करें, तो वहाँ पर डोबरेनर ने कहा था कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव एटम्स को कंसिडर करें, तो उसमें जो सेंटर एटम होगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा उनके एटॉमिक मासेस का. ओके, दैट मींस अगर हम कंसिडर करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, अलोंग अ ग्रुप, ये तीनों एक सीरीज़ में आते हैं, तो जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड 2 या 3 ग्रुप्स में फॉलो हुआ, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड नहीं देखा गया. उसके बाद से न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव दिया, विच इज़ नोन एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द म्यूजिकल ट्यून दैट इज़ सारे गामा. उसके बाद से न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव दिया जो कि म्यूजिकल ट्यून पे बेस्ड था, सारे गामा. यहाँ पे हमने देखा कि जो पैटर्न था एलिमेंट्स का, उसमें 1 to 8 एलिमेंट्स थे. तो इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसके बाद जो 8th एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी. मतलब उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलेगी, और ये ट्रेंड देखा गया. बट स्टूडेंट्स, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये क्या हुआ, पूरा फॉलो नहीं हुआ. ओके, तो इनके में भी क्या आया, फेल्योर आया. उसके बाद से मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक लॉ दिया. मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ बेसिकली बेस था कि जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम्स की, वो क्या होती हैं, उनके एटॉमिक मास के बेस पे होती हैं. ठीक है, बट स्टूडेंट्स, जब उन्होंने इस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उसमें पाया गया कि वहाँ पे भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी. कुछ ये था कि मेंडेलीव्स का पीरियोडिक लॉ बहुत ही वेरीफाइड था, और इन्होंने इवन अभी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए भी प्लेस छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में. और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरा का पूरा उन्हीं के पीरियोडिक टेबल से डिराइव्ड है. बट हाँ, अभी जो चेंजेस आती हैं, हम इसमें कहते हैं कि जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर की. ओके, जबकि मेंडेलीव ने कहा था ये एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन है. सो लेट अस सी व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और हाउ इट केम. सो स्टूडेंट्स, अर्लियर हिस्ट्री आपने जान ली, जो पुराने ट्रेंड्स थे, द 3 लॉज, द डोबरेनर ट्रायड, द न्यूलैंड ऑक्टेव एंड द मेंडेलीव्स लॉ. आफ्टर दैट देयर कम्स द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इसमें हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है. तो इट बेसिकली स्टेट्स दैट physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic number. Students, you have to pay attention here that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. मतलब वो periodic function है उनके atomic numbers की. Okay, that is, if elements are arranged in order of their इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, तब हम क्या देखते हैं कि द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल. मतलब हमने देखा कि अगर हम इनको अरेंज करते हैं इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो ऐसा देखा जाएगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड दिखेंगे कुछ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स पे. तो इसमें अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम,
तो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। और ये सिमिलरिटी हमें क्या दिख रही है, रेगुलर इंटरवल्स पे दिख रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दैट हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मोज़ेले साइंटिस्ट प्रीवियस डिस्कवरीज चल रही थी, उनके साथ साथ क्या हो रहा था, मोज़ेले ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मोज़ेले वाज़ अ इंग्लिश फिजिसिस्ट, तो इन्होंने मेज़र किया फ्रिक्वेंसीज ऑफ एक्सरे एमिटेड बाई 38 डिफरेंट एलिमेंट। इन्होंने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और इनकी फ्रिक्वेंसीज को देखा। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन एलिमेंट्स का बम्बार्डमेंट कराया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद जब इन्होंने फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, अगर फ्रिक्वेंसीज का स्क्वायर रूट कंसिडर किया गया, जो भी प्रोमिनेंट एक्सरे थी जिस भी एलिमेंट की, वो क्या हो रही थी, वॉज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, वो उसके एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थी, ओके। मतलब कि एलिमेंट की जो फ्रिक्वेंसीज, मतलब बेसिकली आ रही थी, उसका स्क्वायर रूट उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ से इन्होंने एक मतलब बेसिक दे दिया कि लेट टू द मोज़ेले अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहीं से इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि जो एज इफ इन्होंने देखा कि स्क्वायर रूट है एटॉमिक नंबर का, तो इन्होंने कह दिया कि द प्रोमिनेंट एक्सरे एमिटेड बाय एन एलिमेंट वाज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ओके, एंड नॉट एटॉमिक वेट, ओके। मतलब एटॉमिक वेट के साथ इनको कोई ट्रेंड नहीं मिला, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ इनको एक ट्रेंड मिला कि वो क्या है, स्क्वायर रूट है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या, मतलब ये पीरियोडिसिटी हुई क्यों। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखें तो इट सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दीज एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये लाइन तो आपको कभी नहीं भूलनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अगर है तो इसका ओरिजिन क्या कहता है, या इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो फर्दर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट क्लियरली इंडिकेट दैट विथ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दे ऑकर अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स डोंट बॉदर, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एलिमेंट के, तो हम पाएंगे कि जब अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर पे, तो एक रिपीटेशन आ रही है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख रही है। हाउ वी कैन सी दैट, सपोज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। अगर हम अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो एलिमेंट्स आर बेसिकली लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड ट्रांसियम। दीज आर द एलिमेंट्स विच कम्स अंडर अल्कली मेटल, जो अल्कली मेटल्स के अंदर में आते हैं। नाउ कंसिडरिंग अबाउट देयर अटोमिक नंबर, सो देयर अटोमिक नंबर आर 3, 11, 19, 37, 55, 87, ओके। स्टूडेंट्स अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे और इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लिखते हैं फॉर लीथियम इट इज़ 1s2, 2s1, ओके। एंड अर्लियर ऑल्सो स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू दैट अगर हमें 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बार बार नहीं लिखनी है, अवॉइड करनी है, तो हम इसके सिमिलर एटम को लिख देते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आए। तो हीलियम हैज़ 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s1, ओके। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस व्हाट यू विल सी, जब हम ये ट्रेंड देखते जाते हैं तो हमें दिखता है दैट 2s1, अगर हम सोडियम की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3s1, कोर में क्या आ जाता है, नियॉन, और नियॉन किसको रिजेंबल कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। फिर हम देखते हैं पोटेशियम के केस में क्या है, 4s1, इनर कोर क्या आ जाता है, आर्गन, और आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18, ओके। सो स्टूडेंट इस तरह से ट्रेंड देखने में हमें पता चला कि हमें 2s1, 3s1, 4s1, कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो वो भी 1 हो जाएगी। ऐसे कई ट्रेंड्स हैं जो सिमिलर आएंगे।
दिस इज़ वॉट कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। तो इसके लिए हम अगर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करें तो हम स्टेटमेंट देते हैं, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब ये इंटरवल्स क्या है अगर हम उसकी बात करें स्टूडेंट्स, अगेन अगर आप हेलोजन्स के भी केस में देखेंगे तो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट आर द हेलोजन्स। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन आर हेलोजन एटम्स, दे आर बेसिकली बिलोंग टू ग्रुप 17। और इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये है 9, 17, 35, 53, 85। अगेन स्टूडेंट्स अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे वेदर इट इज़ 2p5, वेदर इट इज़ 3p5, वेदर इट इज़ 4p5, सब में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि देर इज़ अ रिपीटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन एंड ओनली आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल एंड दीज आर बेसिकली 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अगर ये ट्रेंड फॉलो करें तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके, हमें एक पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर पता चल सकता है। कैसे, सपोज़ करिए स्टूडेंट्स फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। ओके, अगर हम 9 में 8 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 17, अगर हम 17 में 8 ऐड करते हैं 35, अगर हम 35 में 18 ऐड करते हैं 53, अगर हम 53 में 18 ऐड करते हैं 85, द सीरीज़ जस्ट गोज ऑन। ओके, तो यही ट्रेंड हमें क्या है हर ग्रुप में मिलेगा, वेदर इट इज़ अल्कली मेटल, वेदर इट इज़ अल्कलाइन मेटल, वेदर इट इज़ नोबल गैसेस, दिस इज वॉज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेसिकली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। थैंक यू क्लास।